हेलो दोस्तों, गैजेट एंड टेक एडवाइस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, चाइना की स्मार्टफोन कंपनी TCL ने ब्लैकबेरी मोशन स्मार्टफोन लॉन्च किया है। गौर करने वाली बात यह है कि नए स्मार्टफोन के जरिए यह कंपनी एंड्रॉयड स्मार्टफोन मार्केट में ब्लैकबेरी के नाम का यूज़ करना चाहती है। ब्लैकबेरी मोशन स्मार्टफोन कंपनी के की वन हैंडसेट से काफ़ी मेल खाता है, जिसे इसी साल ही लॉन्च किया गया था। ब्लैकबेरी मोशन एक मिड रेंज ड्यूअल सिम स्मार्टफोन है जो एंड्रॉयड 7.1.1 नोगा पर चलता है, जिसमें 5.5 इंच का HD डिस्प्ले है, जिस पर ड्रैगन टेल ग्लास का प्रोटेक्शन मौजूद है। डिस्प्ले के ठीक नीचे एक होम बटन भी दिया गया है। इसमें स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर के साथ 4GB की रैम दी गई है। इनबिल्ट स्टोरेज 32GB है और ज़रूरत पड़ने पर 2TB तक का माइक्रो SD कार्ड यूज़ किया जा सकता है। फ़ोन में 4000mAh की नॉन रिमूवेबल बड़ी बैटरी दी गई है। यह क्विक चार्ज 3.0 को सपोर्ट करती है। इसमें USB टाइप सी पोर्ट है। वाटर रेजिस्टेंट ब्लैकबेरी मोशन में F2.0 अपर्चर वाला 12 MP का रियर कैमरा है, जो डुअल टिम टोन LED फ्लैश के साथ आता है। रियर कैमरे से यूज़र 30 फ्रेम प्रति सेकेंड की दर से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। इसमें आपको 8 MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा, वो भी सेल्फी फ्लैश फीचर के साथ। फ्रंट पैनल पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। इस फ़ोन को दुबई में आयोजित एक टेक्नोलॉजी वीक कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया था। एंड्रॉयड सेंट्रल के मुताबिक ब्लैकबेरी मोशन की कीमत $460 होने की उम्मीद है। इससे पहले UAE और सऊदी अरब जैसे मध्य एशियाई देशों में उपलब्ध कराया जाएगा। ब्लैकबेरी ने जानकारी दी कि फ़ोन में कुछ बेहद ही अनोखे मज़ेदार फीचर्स भी होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और दोस्तों, ऐसी गैजेट और टेक न्यूज़ के लिए हमारे चैनल GNT Advice ज़रूर सब्सक्राइब करें।